यूपी बोर्ड परीक्षा से जुड़ी बड़ी खबर, फरवरी के दूसरे हफ्ते से हो सकती हैं परीक्षाएं। पहली बार कॉपियों में होगा बार कोड, नकल रोकने के लिए बार कोड का इस्तेमाल किया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले रुक कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर का। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले रुक कर लेते हैं आज सबसे बड़ी खबर का। इस सुबह की बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, बोर्ड परीक्षा 2023 को लेकर सरकार की तरफ से कई सारे अहम बदलाव कर दिए गए हैं। बोर्ड की परीक्षा को लेकर कई और बड़े बदलाव किए जा रहे हैं, बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर, जिसमें से आज एक बहुत अहम बदलाव कर दिया गया है। बोर्ड की परीक्षा 2023 को लेकर, यदि आप भी इस बार बोर्ड की परीक्षा 2023 में बैठने वाले छात्र या छात्राएं हैं, तो आप सभी तमाम छात्रों से जुड़ी ये बहुत ही अहम खबर निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों, आप चाहे भारत के किसी भी कोने या किसी भी राज्य से हो, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो दोस्तों आप सभी तमाम छात्रों से जुड़ी ये बहुत अहम खबर है। और अगर आप दोस्तों अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर ले, ताकि आपके राज्य या बोर्ड से जुड़ी लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो दोस्तों, हम बात करते हैं कि आप सभी को बता दें कि बोर्ड परीक्षा को लेकर कल एक हाई लेवल मीटिंग आयोजित की गई थी। जिसमें बोर्ड परीक्षाओं को लेकर कई सारे अधिकारी शामिल हो गए, जिसमें बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर सरकार की तरफ से बहुत बड़ा फैसला ले लिया गया है। सरकार की तरफ से जो बोर्ड की परीक्षाएं होने वाली है, उन परीक्षाओं में छात्रों को कॉपी के हर पन्ने पर लिखना होगा अपना रोल नंबर। और सबसे बड़ा बदलाव तो ये किया गया है कि बोर्ड के सचिव ने इसको लेकर एक नया निर्देश भी जारी कर दिया है। आप सभी को बता दें कि बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं और आप सभी का टाइम टेबल जारी हो चुका है, और इसी बीच सरकार की तरफ से एक बड़ा बदलाव करना शुरू कर दिया गया। आप सभी को बता दें, उत्तर पुस्तिका के प्रत्येक पन्ने पर अपनी हैंड राइटिंग में कॉपी में क्रमांक और रोल नंबर लिखना होगा, और इसको लेकर देविकांत शुक्ल ने बोर्ड के अध्यक्ष को दिशा निर्देश भी जारी कर दिया है। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि बोर्ड की कॉपी बदलने की घटनाओं पर भी रोक लगाने के लिए नियम और कानून लागू कर दिए गए हैं। इसके अलावा अगर बोर्ड की परीक्षा देते हुए अगर किसी छात्र की तबीयत खराब होती है, तो कक्ष निरीक्षक को तत्काल सूचित करना होगा, जिससे परीक्षार्थी प्राथमिक उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती करने का दिशा निर्देश भी जारी कर दिया गया है। और आप सभी को इन बदलावों के बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स सेक्शन में हमें जरूर बताएं। और बोर्ड से जुड़ी सबसे पहले अपनी खबर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों।